अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी आज आप पीछे मेरी थोड़ी सी वॉल आपको नज़र आ रही होगी। मैंने आपको थोड़ी सी अपडेट देनी थी कि मैं थोड़ा सा अपना जो है वो जो मेरा बैक वाला टेरेस है उसको मैं थोड़ा सा अपग्रेड कर रही हूँ। तो ये प्लान मैंने काफ़ी देर से किया हुआ था लेकिन ये कि हो नहीं पा रहा था बिकॉज बहुत सारी मसरूफियात चल रही थी, साथ साथ घर में भी बाहर भी था। और बस फिर अब जो है वो फाइनली थोड़ा थोड़ा करके, लाइक ये कि एकदम से तो ये काम होने वाला नहीं। तो कुछ चीज़ें जो है वो मैं ऑलरेडी डन कर चुकी हूँ, कुछ चीज़ें जो है वो रहती हैं जिसके अंदर मेरे पॉट के जो है वो कलर मैंने करने थे उसमें से भी कुछ हो गए हुए हैं, कुछ रहते हैं और बाकी जो है वो साथ होता जा रहा है। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। जब मैंने सोचा था कि मैं इसको करूँ तो मैंने कहा था हाँ हो जाएगा, कोई ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये आपकी पूरी एनर्जी सक कर जाता है। बट ये कि इसको करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसका नाम है पैशन। अगर तो पैशन है तो फिर आप जो है ये सब चीज़ें बहुत इजीली आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर पैशन नहीं तो फिर आप मेरे ख्याल में शायद उठ ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो चलें मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करवाती हूँ। अभी यहाँ पे पीछे मेरे जो बैक साइड वाला मेरा टेरेस है यहाँ पे जो है वो मेरी मदर इन लॉ का कुछ चीज़ें भी पड़ी हुई हैं जिनको मुझे हाथ लगाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। और यहाँ पे बी आ गई है, हनी बी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको अपना ये वाला काउंटर दिखाती हूँ जो कि मेरे बैक साइड पर है। ये बेसिकली जो है ये मेरा इस्त्री स्टैंड है, लेकिन इस टाइम इसकी हालत बड़ी बुरी हुई है क्योंकि इसके ऊपर मैंने कुछ जो है वो अपने पेंट्स वगैरह रखे हुए हैं जो कि मैं वॉल पेंट भी कर रही हूँ और जो है बाहर जो है वो भी कर रही हूँ, वॉल पेंट भी कर रही हूँ और पॉट पेंट भी कर रही हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं वो मिक्सिंग करके तो मैं उसके साथ जो है कुछ क्रिएट करती हूँ क्योंकि मुझे रंगों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अच्छा जी, ये है वो पेंट आसानी इमल्शन जो कि मैं लेके आई थी खुद ही, जिसके अंदर जो एक बेसिक कलर है वो है वाइट। वाइट कलर जो है वो आपको अपने नीचे बेस बनानी हो या आपने उसके अंदर कोई सा भी कलर मिक्स करके लाइट एंड डार्क या जैसे भी लाइट, बेसिकली लाइट करने के लिए होता है और नीचे जो है वो इसको बेस बनाने के लिए वाइट कलर जो है वो यूज़ होता है। कुछ मेरी जो बाहर वाली वॉल थी उसके ऊपर तो ऑलरेडी जो पेंट है वो हुआ हुआ था, कुछ के ऊपर जो नहीं हुआ था तो उसके ऊपर मुझे पहले जो है वो वाइट कलर के साथ बेस बनानी पड़ी। जब बेस बन जाती है तो फिर जो है वो आपका कलर भी जो ना वो अच्छा आता है। तो अभी जो है वो मैं अनाया को स्कूल भेज चुकी हुई हूँ और मैंने कहा वाई नॉट कि मैं जो है वो थोड़ा सा अपडेट दूँ अपने फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को कि आजकल क्या हो रहा है, किधर बिजी हैं, क्या चल रहा है। गर्मी जो है वो ज़रा थोड़ी बढ़ती जा रही है तो मुझे जो है वो पार्शली वर्क करना पड़ता है, लाइक जब धूप चली जाती है तब काम करना पड़ता है या सुबह सुबह काम करना पड़ता है। तो मैं इस वक्त जो है वो एक मजदूर आदमी बना हुआ हूँ। तो अपनी खुशी से देखें, ये काम आप किसी को बुलवा के भी करवा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि एक जब आपका एक पैशन होता था कि कुछ आप करें, कुछ अच्छा सा क्रिएट करें, तो जब आपके अंदर ये एक पैशन होता तो फिर आप क्या करते हैं, आइए दिखाती हूँ कि क्या क्या कुछ करते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे हम टेरेस पे आए। अभी ये जो है ये भी मैंने पेंट करना है। सब चीज़ें ऐसा ऐसा होती जाएंगी। ये जो मेरा दरवाज़ा है ठीक है, आयरन का है तो इसको भी पेंट करेंगे। लेकिन क्या कुछ किया है मैंने अभी, ये भी अभी दोबारा से होएगा। ये पेंट किया है, ये भी अभी मैंने उसके ऊपर कुछ कारीगरी अपनी दिखाने लगी थी, फिर मैंने कहा चलें इसको हम जो इसका कलर है वही वाला कर देंगे। अच्छा जी, ये वाले कलर्स अभी पहले पॉट सिखा देती हूँ। ये वाले कलर्स हैं ठीक है, ये मैंने किए हैं अभी बहुत थोड़े से। ये हमारा टमाटर है जो हमें बड़ा, ये छोटे से पॉट में लगा हुआ लेकिन बड़े टमाटर दे देता है माशाल्लाह से। अभी ये दो लगे हैं जो बढ़ रहे हैं, ऊपर छत पे ज्यादा हैं। अल्लाह अकबर, बी 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 बी। अच्छा जी, यहाँ पे जो चीज दिखाने वाली है, यहाँ पे मैंने एक जो है वो अपना एक अपरजीता का मैंने प्लांट जो है वो सीडलिंग की थी मैंने, जो कि अब माशाल्लाह ये वाला जो है माशाल्लाह ग्रो कर रहा है। दो मैंने इस साइड पे लगाए थे
और दो मैंने इस साइड पे लगाए थे, एक चिड़िया तोड़ के ले गई और अभी जो बाकी जो है वो बन रहे हैं। ये जो है मेरा सेकुलेंट का पोर्शन है, ये मेरे पास एक मार्बल का पड़ा हुआ था जो कि यहाँ पे मैंने अभी प्लेस किया हुआ है। अभी ये टेम्परेरी है, सब कुछ जो है वो टेम्परेरी है, अभी फिनिशिंग टचेस देने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। और जो मेरे कुछ वीडियोस जो हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये माशाल्लाह से अच्छे ग्रो कर रहे हैं, आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं जो कि ये मैंने बनाई थी वीडियोस, और ये अब माशाल्लाह से अच्छे ग्रो कर रहे हैं। इनकी मैंने वीडियोस नहीं बनाई हैं, ये जैसे ही आए थे माशाल्लाह काफ़ी सारे सकुलेंट्स आए तो मैंने ऐसे ही इनको कर दिया था। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने ब्रिक्स का थोड़ा सा इफ़ेक्ट दिया है, ठीक है। और जब मैंने यहाँ पे ब्रिक्स का इफेक्ट दे दिया तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से घूमते हैं, इस साइड पे आते हैं। ये मेरा मोस्ट फेवरेट ये वाला मेरा पॉट बना हुआ था, लेकिन चिड़ियाँ माशाल्लाह जब आप ये लगाते हैं तो फिर चिड़ियाँ जो है वो आपके गार्डन को ख़राब करने के लिए भी आती हैं, लेकिन ये कि उनका भी हक है, वो जो चाहे मर्जी करें, ये तो लगते रहेंगे तो इनका कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर भी देखें मेरे पेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं बहुत, वो पॉट्स ये सब चीज़ें, पीछे वाली जगह पे मेरी कुछ सासू माँ की चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो उसको मुझे छेड़ने की इजाज़त नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया है कि मैंने जो है वो इस तरह से इसको इस तरह से कर दिया, और वो भी मेरे काउंटर वर्किंग का काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर भी वर्क कर सकती हूँ मैं। और ये जो है इस साइड पर फिर मैंने ब्रिक्स का इफेक्ट दे दिया, इस वाली ये हमारा स्टोर रूम है, इसके अंदर हमने जो है इसके बाहर वाली जो वॉल है इसके ऊपर मैंने अभी पेंट करना है वाइट कलर का, होपफुली कब तक होता है बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई हुई है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कोई भी पेंट नहीं हुआ हुआ था, ठीक है ना। तो मैंने अभी पहले नीचे एक बेस बनाई, ये सारा जो है वो मैं खुद कर रही हूँ, ये पहले मैंने बेस बनाई है, इसके बाद इसके ऊपर मैंने ये जो इसके साथ वाइट और ब्राउन का जो है वो ब्राउन में सारा का सारा यहाँ पे कर दूंगी। तो यहाँ तक जो है वो मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी जो है वो अपने टेरेस गार्डन की करना चाह रही थी, अपडेट देना चाह रही थी। तो बस इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस साइड पे भी अभी ये, यानी इधर से मुझे थोड़ा सा वो खाली मिली थी जगह, तो मैं आपको बताऊं कि ये सारे जो है ये मैंने खुद सीडलिंग लगाई थी इन पॉट्स के अंदर, ये वाले जो हैं जो कि खुद बने हैं, और ये जो ग्रीन कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मैंने खुद सीडलिंग इनकी की थी। और ये वो हैं अगावे प्लांट्स जो कि ये मदर प्लांट पड़ा हुआ है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी सारे जो है वो बेबी प्लांट्स जो है वो दिए थे हमें, यानी कि पप्स। तो ये सारे जो हैं वो इसके, ये भी देखें कितने सारे पप्स जो हैं वो इसके अंदर एक के अंदर हैं, जैसे ये ग्रो करना शुरू होंगे फिर इनको बड़ा वाला पॉट दे देंगे। ये मेरा रेन लिली लगा हुआ है, ये भी मैंने प्रोपोगेट किया था, और प्रोपोगेशन तो खैर चलती रहती है, जब आप गार्डनिंग करते हैं तो प्रोपोगेशन चलती रहती है साथ साथ। तो ये मेरी छोटी सी अपडेट थी अबाउट माई बैक साइड टेरेस गार्डन, तो अभी ये इसको सुधारना बाकी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटर वगैरह भी पड़ी हुई है, तो आहिस्ता आहिस्ता से सब चीज़ें होती जाएंगी। ये मेरी छोटी सी अपडेट थी, देखिएगा अब फिर उसके बाद मैं आपको इसका बिफोर आफ्टर भी दिखाऊंगी कि मैं। सो जी, अब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और ज़रूर देखिएगा ये वाली वीडियो फुल देखिएगा, और देखिएगा कि आपको ये जो है वो ये जो पहली अपडेट है वो कैसी लगी, और इसके बाद जो इसका आफ्टर आएगा वो आपको कैसा लगेगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज मैं खुद कर रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये काम। तो गर्मी भी बढ़ती जा रही है, स्लोली स्लोली होता जाएगा, बट ये कि इसका बिफोर और आफ्टर ज़रूर देखिएगा, ये इसका पहला पार्ट है, और इसका जब दूसरा पार्ट आएगा तो उसको भी आप वॉच कीजिएगा कि मैंने क्या किया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में तो ज़रूर याद रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।